गो करोना, करोना गो, गो करोना गो कहने से कोविड 19 नाम की बीमारी फैलने से नहीं रुकेगी और ना ही गौमूत्र पीने से। कोरोना वायरस के प्रकोप को वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे 1.5 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं और कुछ 8,000 लोगों की जान जा चुकी है। पैनिक, पागलपन और लगातार बढ़ते मामलों के बीच हेल्थ प्रोफेशनल्स ने हैंड हाइजीन का ख्याल रखने को कहा है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि साबुन इस महामारी से कैसे लड़ सकता है? जवाब इसके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में है। साबुन के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा पानी पसंद करता है और दूसरा हिस्सा फैटी एसिड्स जिसको लिपिड कहते हैं। जब आप किचन के ऑयली बर्तन साफ करते हैं, साबुन पानी और ऑयल दोनों से इंटरैक्ट करता है और स्क्रब की मदद से धुल जाता है। यही चीज हाथों के साथ भी होती है। कोरोना वायरस ऐसा दिखता है, इसकी बाहरी मेम्ब्रेन में लिपिड होता है। ये लेयर इसे फैलने और कोशिकाओं पर अटैक करने में मदद करती हैं। हाथ धोते वक्त साबुन वायरस से अटैच हो जाता है, लेकिन पानी से भी इंटरैक्ट करना चाहता है। इस खींचतान में वायरस की मेम्ब्रेन टूट जाती है। इस तरह जब आप हाथ धोते हैं तब साबुन के मॉलिक्यूल्स से डैमेज, ट्रैप हुए और खत्म हुए सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी धुल जाते हैं। सिर्फ पानी हाथों से वायरस नहीं हटा सकता। वायरस काफी स्टिकी होता है और हो सकता है कि सिर्फ पानी से ना निकले। साबुन इसे हाथ से छुड़ाने का काम करता है। इसके लिए आपको उतनी देर तक हाथ धोने की जरूरत होती है। इसलिए #20SecondChallenge चल रहा है और आपके लिए COVID-19 नाम की प्लेलिस्ट भी है Spotify पे, जिसपे आप हाथ धोते हुए गाने सुन सकते हैं। आप वायरस पार्टिकल्स को पूरी तरह से धो नहीं रहे होते, वो आपके हाथों पर होते हैं। तो ऐसे में सही तरीका क्या है सैनिटाइजर को यूज करने का? सैनिटाइजर आप वही इस्तेमाल करें जिसमें 60% अल्कोहल हो। फिर हाथों को 20 सेकंड तक रब करें और इसके बाद साबुन से हाथ धोना भी जरूरी है। सैनिटाइजर का यूज उस समय बेहतर है जब साबुन और पानी ना हो। और हाँ, किसी के कहने पर गौमूत्र से अपने हाथ धोने ना लग जाइएगा।